हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय टेक्निक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने म्यूजिक प्लेयर और वीडियो प्लेयर के होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो कैसे लगाएं। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं कि देम कैसे चेंज करें, यानी कि अपना फ़ोटो कैसे लगाएं या कोई भी फ़ोटो आप कैसे लगा सकते हो अपने गैलरी से। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप अपने वीडियो को प्ले करने के लिए या गाना सुनने के लिए यानी कि MP3 बजाने के लिए अब दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। आपने दो एप्लीकेशन ज़रूर रखा होगा। तो गाइस, हम आज बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन में आपको केवल एक एप्लीकेशन से आपको दोनों बेस्ट क्वालिटी में काम हो सकता है। हो सकता है गाइस, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ऐप। तो गाइस, सबसे पहले हम इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। हम प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर लिए हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, इसका नाम है प्ले इट। तो यहाँ पे सर्च कर लेना है प्ले इट। तो गाइस देखो, तो गाइस हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्च कर लिया है प्ले इट। उसके बाद गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो गाइस, आप इसका लोगो ध्यान से देख लो। उसके बाद गाइस, यहाँ से हमें इंस्टॉल करना है। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से आपको अलाउ का ऑप्शन है, यहाँ से हम सीधा अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद गाइस, यहाँ पे हम स्किप करेंगे ऊपर से, या यहाँ पे हम नेक्स्ट करके स्टार्ट कर लेना। तो गाइस, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करने के बाद गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद गाइस, यहाँ से आपको चार ऑप्शन मिल रहा है नीचे में, आप देख सकते हो वीडियो म्यूजिक एंड साइड्स एंड मी। यहाँ से आप वीडियो प्ले कर सकते हो गाइस, यहाँ पे आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हो। उसके बाद गाइस, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी सॉन्ग रहेंगे यहाँ से आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ पे एंड का जो ऑप्शन है मी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, जिस बारे में आपको बताने वाले हैं, वो है ये कि आप अपने देम को कैसे चेंज कर सकते हो, यानी कि अपने फ़ोटो को कैसे लगा सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन मिल रहा है ऊपर में, MP3 कन्वर्टर एंड फ्यूचर देम। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर देम पर क्लिक करना है। तो गाइस, उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ रहा है कस्टम देम। तो यहाँ पे हम कस्टम देम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस, हमारा गैलरी में सीधा घुसा देगा। उसके बाद गाइस, यहाँ से अपने गैलरी से जो भी इमेज आपको लगाना है वो इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो, हमने कुछ इस तरह से एक इमेज एड कर लिया है। उसके बाद गाइस, इसको आप जितना चाहो उतना क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद गाइस, बाएं तरफ में यहाँ ऊपर आपको सेव को ऑप्शन है, यहाँ पे हम सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा ये सेव हो सकता है, यानी कि हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप कोई कलर भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यानी कि जब आप वीडियो प्ले करते हो वो टाइम दिखाता है कि आपका वीडियो कितनी देर प्ले हुआ है। तो उसका पहले से ही आपको यहाँ से हरा रहेगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक कलर अपने पसंद का चूज कर सकते हो। गाइस, हमने यहाँ से रेड चूज कर लिया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पर यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कर सकते हो, जितना आपको पसंद है कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो गाइस, उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है नीचे में ब्लोरी। तो यहाँ पे हम ब्लोरी पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपके बैकग्राउंड को कितना ब्लर करना चाहते हो उतना यहाँ पे ऐड कर लेना। उसके बाद गाइस, ऊपर में आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है दाएं में ऊपर साइड कन्फर्म, यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस, कुछ इस तरह से हमारा हो गया है, यानी कि हमारा देम सक्सेसफुली हो गया है। आपको हम दिखा देते, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में हमारा देम कुछ इस तरह से सेव हो गया है। तो होप आप गाइस, ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।